हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो हमें इस ग्राफ की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। और वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज की गई है इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में? U is the initial velocity of object, V is the final velocity of object, A is uniform acceleration of object, और जो S है इसमें वो S क्या है? S is the displacement of object or the distance traveled by object। और जो distance traveled by object होगी वो कितनी time में वो s distance travel करेगा वो time रहेगा अपना t। तो इस graph की help से हम किस तरह से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें एक रिलेशन के बारे में बताएगी। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन के बारे में पता चलता है। तो किस तरह से हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ? तो जो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ किया है वो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर यू। तो u क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और वही ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो t टाइम में वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस s ट्रेवल करेगा, और उस टाइम t में उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ b पॉइंट पर हमें देखने को मिलेगी वो क्या है? v। और जो यहाँ पर पॉइंट्स जो हमने लिए हैं O, A, B, C, D, तो यहाँ पर जो O, A रहेगा, O, A इस ग्राफ में वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है C, D के। और जो O, A है या C, D रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? वो इक्वल रहेगा इक्वल टू U। और जो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं B, D, जो ये बी डी है, और बी डी किसके इक्वल रहेगा? बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो जो हम इसमें टर्म यूज करेंगे इसके डेरिवेशन में हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं। और इस ग्राफ में हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो ओ डी जो डिस्टेंस है ओ डी इज इक्वल टू ए सी, और जो ओ डी है वो किसके इक्वल है? AC के। और OD is equal to T, तो इसका मतलब जो OD है वो इक्वल है AC के, और जो OD है वो इक्वल है T के। इट मींस AC is also equal to T। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इन्हीं का यूज करेंगे जो ग्राफ से हमें वैल्यूज मिली हैं। तो किस तरह से हम इसको डिराइव करेंगे इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को? तो जिस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था फ्रॉम द एरिया अंडर द लाइन ए बी, और जो ये लाइन ए बी हमें इस ग्राफ में दिखाई देती है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो भी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट
क्या रहेगा, इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन ए बी, और जो एरिया रहेगा अंडर द लाइन वो किसके इक्वल रहेगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टी टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा जब वो मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और जब उसकी स्टार्टिंग में या इनिशियल वेलोसिटी यू होगी और टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी। तो किस तरह से करेंगे हम कैलकुलेट इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे बाय द एरिया अंडर द लाइन ए बी, और यही एरिया हमें बताएगा उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हम डिस्प्लेसमेंट को एस लिख सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले को लिखना होगा, वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। अब इन सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स और हाइट ऑफ ट्रेपीजियम से हम उस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को फाइंड आउट करेंगे, और वही एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें बताएगा उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम कैलकुलेट करेंगे वो इस ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रेपीजियम में जो ओ ए है, ओ ए इज पैरेलल टू बी डी, तो हमें इन्हीं साइड्स को ऐड करना होगा उस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को निकालने के लिए। तो क्या रहेगी, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी, और हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या रहेगा, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हम यहाँ से ले सकते हैं या यहाँ से ले सकते हैं, और जो हाइट ऑफ ट्रेपीजियम रहेगी एच वो क्या है, ए सी या ओ डी। तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू हम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को कैलकुलेट करने के लिए, और जो ये साइड रहेगी और जो ये साइड है इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है अपनी टी, टी वो टाइम है जिस टाइम में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट शो करेगा एस, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी टी। अब यहाँ देखते हैं हम ओ ए और बी डी की भी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम को, वो हम ले रहे हैं यहाँ पर ए सी। तो इस एस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूला में ओ ए बी डी और ए सी की वैल्यू को रखना होगा, वो हमने यहाँ पहले से ही लिखी हुई है। तो वो ए की वैल्यू क्या है, ओ ए इज इक्वल टू यू, तो एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए इज इक्वल टू यू, और बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी इज इक्वल टू वी प्लस वी, और ए सी की वैल्यू क्या है टी, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको टी से, और इस टी की वैल्यू को हमें यहाँ रिमूव करना होगा क्योंकि उस फॉर्मूला में टी नहीं है, तो हमें इस टी को यहाँ से रिप्लेस करना होगा किसी दूसरी वैल्यू से, और वो हम रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, वो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू टी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो बी माइनस यू बाई ए। तो यहाँ हमें टी की वैल्यू मिल गई है जिसको हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो जब हम इस इक्वेशन में टी की वैल्यू को रखेंगे तो हमें क्या मिलता है,
तो जब इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू, और t क्या रखेंगे, v माइनस u बाई a, और हमें क्या मिलेगा 1 बाई टू, v को हम पहले लिखेंगे प्लस u इंटू, क्योंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि v में से u को माइनस किया गया है, तो इसलिए हम यहां पर v को पहले लिखेंगे। तो जब हम v प्लस u और v माइनस u को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 बाई टू वी स्क्वेयर माइनस यू वी प्लस यू वी माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 बाई टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू 1 बाई टू बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए, और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू ए, और वो रहेगा इक्वल टू एस के, और इसको 2a को हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलता है 2as इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और यही हमारी इक्वेशन होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हमने डिराइव किया है इस ग्राफ से, जो है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये जो इक्वेशन होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a।